नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मेहर में जिला प्रशासन और स्थानीय नेताओं के खिलाफ पत्रकारों ने गंभीर आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। पत्रकारों का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत से क्षेत्र में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं चरम पर है, जिससे जनता का विश्वास प्रशासनिक तंत्र पर से उठता जा रहा है। पत्रकारों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी और नेता जनता के मुद्दों की अनदेखी कर रहे हैं और आमजनों की समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए निजी स्वार्थों को प्राथमिकता दे रहे हैं। आरोप यह भी है कि नेता के इशारों पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पत्रकारों को धमकाया जा रहा है। यहां तक वसूली जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है ताकि वे सच्चाई को सामने ना ला सकें और जनता के बीच असंतोष न फैले। मेहर के प्रमुख पत्रकारों ने प्रशासन के इस रवैये के खिलाफ एकजुट होकर जिला प्रशासन से खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि सरकार का कोई नुमाइंदा हमारी मांग सुन न्याय करे। इस बीच मौके पर मौजूद प्रभारी मंत्री राधा सिंह और वन मंत्री सहित क्षेत्रीय विधायक ने दूरी बनाई है। पत्रकारों ने स्थानीय प्रशासन से पारदर्शिता और निष्पक्षता बरतने की मांग की है ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जा सके। इस पूरे घटनाक्रम से जिला प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है और क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब देखना यह है कि प्रशासन इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देता है और स्थिति को कैसे संभालता है। इस मामले को लेकर जनता भी काफी आक्रोशित है और वे भी प्रशासन की जवाबदेही की मांग कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी, नेता की कार्यप्रणाली की वजह से जिला प्रशासन हो रहा बदनाम। वहीं इस मौके पर लोग कयास लगा रहे हैं, षड्यंत्र पूर्वक प्रशासन का सहारा लेकर पत्रकारों के आंदोलन को दबाने के लिए हो सकता है बड़ा षड्यंत्र। मामले में अगर सतना सांसद और संभागीय आयुक्त और पुलिस महानिरीक्षक ने हस्तक्षेप ना किया तो सच को कुचलने में कामयाब हो जाएगा मेहर प्रशासन। मेहर से खबर समय जगत के लिए प्रकाश सोनी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।